हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में, जहां मैं आपका दोस्त फैक्ट भाई आपको अपने साथ ले चलूंगा एक रोमांचक बर्फीली दुनिया के सफर पर। हम सब ने अंटार्कटिका के बारे में बहुत कुछ सुना है और किताबों और इंटरनेट पे तस्वीरें भी देखी हैं, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना करने की कोशिश की है कि अंटार्कटिका असल में कैसा दिखता है, वहां का वातावरण कैसा महसूस होता होगा। अंटार्कटिका दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहां ना ही दिखती है जमीन, ना खिलती है धूप और ना ही बसती है हरियाली। अगर मुझे अंटार्कटिका को एक शब्द में डिस्क्राइब करना होगा तो मैं उसे एक विशाल आइसबर्ग बुलाऊंगा, इतना विशाल कि वो हमारी धरती का 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है और दुनिया का 70% फ्रेश वाटर इस बर्फ की नगरी में बसता है। जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस पेंगुइन्स और ग्लेशियर्स दिखाई पड़ते हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो अंटार्कटिका हमें हमारी काल्पनिक इमेज से बहुत अलग नहीं लगेगा, लेकिन इस बर्फीले कॉन्टिनेंट के विशाल ग्लेशियर्स के बीच छिपे हैं कई ऐसे राज जो कि किसी भी इमेजिनेशन के इर्द गिर्द भी नहीं भटकते। अंटार्कटिका के बर्फ के रेगिस्तानों ने सिर्फ इंसानों को यहाँ घर बसाने से ही नहीं रोका है, बल्कि इस धरती की कई मिस्ट्रीज को भी अपने अंदर दबा के रखा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस बंजर कॉन्टिनेंट ने अपने बर्फीले जहन में कौन से तीखे राज छुपा रखे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, जिसका नाम है फैक्ट भाई एंड द मिस्ट्रीज ऑफ फ्रोजन लैंड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अंटार्कटिका के बारे में 7 ऐसे राज जिनको सुन के आपको साइंस फिक्शन की कहानियां भी रियलिस्टिक लगने लगेंगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। नंबर 7, अंडरग्राउंड लेक्स। अगर आपको बेसिक ज्योग्राफी आती है तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास के एरियाज धरती के सबसे ठंडे रीजन होते हैं और अंटार्कटिका, जहां का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, वहां किसी भी प्रकार का मॉइस्चर मिलना बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। मगर इन्हीं बर्फ की मोटी परतों के नीचे कई सारी अंडरग्राउंड लेक्स का निवास है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक है लेक वोस्तोक, जो कि 1-4 किलोमीटर बर्फ की लेयर के नीचे मौजूद है और करीबन कनाडा के लेक ओंटारियो के साइज की है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बर्फ के नीचे पानी कैसे हो सकता है। साइंटिस्ट के पास आपके इस सवाल का बहुत सिंपल सा जवाब है। बर्फ के नीचे ये पानी हाई प्रेशर के कारण लिक्विड के फॉर्म में रहता है और धरती के कोर द्वारा रेडिएट होने वाली गर्मी भी इन लेक्स के पानी का तापमान नॉर्मल रखती है। ये अंडरग्राउंड लेक्स प्रकृति का करिश्मा है, क्योंकि इनमें ऐसे इकोसिस्टम्स बसते हैं जो धरती पे कहीं नहीं मिलते। कई अनोखे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और फिश का इन लेक्स में निवास है। ये माइक्रोब्स और जानवर और कहीं नहीं पाए जाते और इनका शरीर आसपास के ठंडे तापमान और लाइट और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी से बहुत ही निराले तरीके से अडेप्ट कर चुका है। ये इकोसिस्टम एक बहुत बड़ी साइंटिफिक खोज है और इनकी स्टडी से हमें अपनी धरती के बारे में क्या क्या और पता चलेगा, ये हम बस सोच ही सकते हैं। नंबर 6, एलोंगेटेड स्कल्स। जी हाँ दोस्तों, इंसान की हड्डियों के सबसे पहले रिमेन जो अंटार्कटिका में पाए गए वो हैं ये एलोंगेटेड स्कल्स। ये स्कल्स इंसानों के ही हैं, लेकिन इनके माथे के ऊपर से इनका सिर बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से लंबा है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये एबनॉर्मल लंबाई असल में एंशियंट रिचुअल्स की करनी है, जब कुछ ट्राइब्स अपने ट्राइब के लोगों के सिर ठोक ठोक के या फिर कुछ सलीबों के बीच दबा के लंबा करते थे। अंटार्कटिका में पाए गए ये स्कल पेरू और इजिप्ट में पाए जाने वाले स्कल से काफी मिलते जुलते हैं। इनसे साफ पता चलता है कि आज से कई मिलियन साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका में रहने वाले ट्राइब्स के बीच कुछ गहरा संबंध था। ये संबंध टेक्टोनिक मूवमेंट और प्लेट सेपरेशन की थ्योरी को सपोर्ट करता है और ये साबित करता है कि पहले अंटार्कटिका एक दूसरे विशाल लैंडफॉर्म का पार्ट था, जिसको आज हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। नंबर 5, मार्शियन मेट्रोइट। 2015 में एक आलू के साइज का बहुत ही अनूठा मेट्रोइट अंटार्कटिका में पाया गया और जब इस मेट्योर की साइंटिस्ट ने जांच पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि ये मेट्योर मार्स से आया है। इसके बाद और गहराई से जांच पड़ताल करने पर उन्होंने एक ऐसी खोज करी जो कि साइंटिस्ट के लिए किसी अली बाबा के खजाने से कम नहीं है। उन्होंने इस छोटे से मेट्योर पे बहुत ही अनोखे माइक्रोब्स के फॉसिल्स पाए, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि मार्स पे भी जीवन है और पॉसिबल है। अब आप ही सोचिए, अगर अंटार्कटिका पे पाए
एक छोटे से मेट्रोइड पे हमें माइक्रोब्स मिले हैं, तो मार्स पे हमें और क्या क्या मिलेगा? इसकी पॉसिबिलिटीज किसी भी साइंस फिक्शन मूवी से कम अद्भुत नहीं हो सकती। नंबर 4, नाजी बेसिस। हिटलर की चाह थी कि वो पूरी दुनिया पे अपना स्वास्तिक फहराए और अपना राज जमाए। इस बात का एक बहुत बड़ा प्रूफ है अंटार्कटिका पे नाजी बेसिस का होना। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका जैसी जगह जहाँ कुछ 10-15 साइंटिस्ट के अलावा इंसानों का नामो निशान तक नहीं है, हिटलर की नाजी आर्मी वहाँ भी पहुँच गयी। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई तो हिटलर ने अनुमान लगाया कि उनकी आर्टिलरी के लिए फ्यूल और बाकी फैट बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, बटर, चीज, क्रीम वगैरह की कमी हो सकती है। तो उन्होंने एक सीक्रेट नाजी सिपाहियों की टोली को शिप्स देकर मार्गरीन फैट के लिए व्हेल ऑयल की खोज में अंटार्कटिका भेज दिया। इस सीक्रेट एक्सपेडिशन का नाम था श्वेबेनलैंड एक्सपेडिशन और इसके अंदर था कैप्टन अल्फ्रेड रिचर, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के एक बहुत ही रिनाउंड नेवल कमांडर थे। ये एक्सपेडिशन बस कुछ ही महीने चला और 5 फरवरी 1939 को ये नाजी सिपाही वापस घर लौट गए। नंबर 3, बर्फ में छुपी माउंटेन रेंज। अंटार्कटिका एक विशाल कॉन्टिनेंट है और यहाँ इतनी बर्फ है जितनी शायद बाकी की दुनिया में सारी बर्फ मिला के भी ना हो पाए। और इतनी सारी बर्फ के अंदर हमें अगर एक माउंटेन रेंज भी मिल जाती है तो हमें शायद ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 1950 में बर्फ की एक विशाल शीट के नीचे एक्सप्लोरर्स ने गैम्बर्सिब माउंटेन रेंज की खोज की, जो कि लगभग 2700 मीटर ऊंची है और 1200 किलोमीटर लंबी है। इस माउंटेन रेंज का साइज यूरोप की आल्प्स पहाड़ियों जितना माना जा सकता है। गैम्बर्सिब माउंटेन रेंज दिखती तो आम माउंटेन रेंज जैसी है, लेकिन इसके बारे में एक खासियत है जिसने साइंटिस्ट को अपना सिर खुजाने पे मजबूर कर दिया है। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट के अनुसार ये पहाड़ियाँ करीबन 1 बिलियन साल पुरानी हैं, लेकिन माउंटेन साल जिंदा नहीं रह सकती। कोरोजन के कारण 400-500 मिलियन सालों तक धरती पर दिखाई पड़ती है। तो आखिर ये पहाड़ियाँ इतने साल तक जिंदा कैसे रह गईं? ये साइंटिस्ट आज तक समझ नहीं पाए हैं। नंबर 2 पर है गाने वाली आइस शीट्स। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका के आइस असल में गाती हैं। 1950 में रॉस आइस शेल्फ की स्टडी करने पर पाया गया कि जब हवा इस आइस शीट से टकराती है तो वो एक महिला के रोने की आवाज प्रोड्यूस करती है। ये आवाज इंसान सुन नहीं पाते, लेकिन सीस्मिक वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करने वाली मशीनों द्वारा इस आवाज को साफ सुना जा सकता है। ये आवाज आसपास के तापमान और हवा की गति के अनुसार हर पल चेंज होती रहती है। और सिर्फ रॉस आइस शेल्फ की बर्फ ही नहीं बल्कि अन्य आइस शेल्फ्स में भी ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया जा सकता है। विल्किंस आइस शेल्फ की सीस्मिक नॉइज हड्डियों के टकराने जैसी सुनाई पड़ती है ना थोड़ा भूतिया सा सीक्रेट। और अब बारी है नंबर 1 की। नंबर 1 पर है ब्लड वाटरफॉल्स। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट को ये ब्लड वाटरफॉल्स मिले जब वे टेलर ग्लेशियर्स की सैर पर निकले थे। टेलर ग्लेशियर से निकलने वाले इस वाटरफॉल में पानी का रंग खून जैसा लाल है। पहले साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि इस पानी का रंग पानी में रहने वाली लाल एल्गी की वजह से है, लेकिन बाद में कुछ जांच पड़ताल के बाद पता चला कि असल में इस पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही भारी मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण पानी का रंग लाल है। हालांकि इस वाटरफॉल की ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो चुकी है। इसके अलावा ऐसे पानी में पाए जाने वाले प्राणियों के ऊपर स्टडीज अब भी जारी हैं। तो ये थे 7 ऐसे सीक्रेट्स जो अंटार्कटिका को दुनिया से अलग बनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका में सिर्फ 7 राज नहीं छुपे हैं? अभी तो शायद कई राज ऐसे हैं जो अभी भी पता नहीं कितने करोड़ों साल से बर्फ के अंदर दबे हुए हैं। अब तो वक्त और गहरी रिसर्च ही इन बाकी राजों का खुलासा करेगी, और क्या पता शायद हमें एलियंस के भी कुछ सुराग मिल जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी अंटार्कटिका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात पता है तो नीचे कमेंट करके हम सबसे शेयर जरूर कीजिए। लेट्स हैव अ डिस्कशन। बस यहीं तक का था हमारा आज का सफर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त फैक्ट भाई लेता हूँ आपसे विदा, विदाउट सेइंग अलविदा, क्योंकि मैं फिर से आऊंगा एक और मजेदार फैक्ट भरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।